जी अजत मलंग, क्या हो गया? बस थोड़ी सी लौ लगा के बैठा हुआ था कि कुछ इमामजादों की सोबत में बैठे और अपने हवाइस जो सेंसेस हैं वो ऑन करें और अपना दिमाग और सोचे को बंद करके जो है या थोड़ी सी लौ लगा सकूं, क्योंकि मौका मिला यहाँ पे काफ़ी देर गुजारने का और यहाँ पे सुकून से हमने ज़्यारत भी की है और वीडियो भी बनाई है, नमाज भी पढ़ी है और बहुत अच्छे साहबजादे हैं। हर ज़्यारत की तरह माशाल्लाह से इमाम दादों ने अपने दौर में भरपूर काम किया है और ये वो साहबजादे और इमाम दादे जिन्होंने अपने फ़र्ज में कोताही नहीं की कभी और अपने फ़र्ज की खातिर जो है वो अपना आप भूल गए और अपने मकसद को जारी और सारी रखा। इमामजादा कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमामजादा जो इस्माइल हैं इन्हीं के साहबजादे इमाम हमजा भी हैं और जो मोहम्मद हैं वो इमाम मूसा काजिम की आल में से वो आ रहे, यानी कि एक शजरा है मगर बेटों की औलादे और फिर वो डिफरेंट हो जाती है तो एक लड़ी नहीं रहती है, तो लड़ी एक ही होती है, बाकी ब्रांचेस उसकी डिफरेंट हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे मैंने अरबी फारसी में लिखा हुआ था वो पढ़ने की कोशिश की है और काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत तो पता लगा है। यहाँ लोगों की कुछ टेस्टिमनीज जो है वो लगी हुई हैं जिनको यहाँ आकर जो है वो फ़ायदा हुआ। एक अहमदुल्ला थे वो यहाँ पर आए और उनके काफ़ी अरसे से जो है वो ठीक नहीं हो रहे थे, बीमार बहुत थे, तो यहाँ पर आए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यहाँ पर आए और वो ठीक हो के तीसरे दिन ही यहाँ से ठीक हो के चले गए। इसी तरह यहाँ का कोई स्टूडेंट था वो जल गया था अपने घर में और तकरीबन 70% से ऊपर जल चुका था, डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया था, वो उसको पता लगा कि शाह इस्माइल के जो है वो दर पर आ जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाओगे। वो यहाँ पर आया और यहाँ पर उसने 2 से 3 दिन गुजारे, उसका सब चीज़ें जो है वो बहाल हो गई और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो ख़ुद भी हैरान था और वो जब वापस डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टर भी देख के हैरान हुए और ये बात काफ़ी फिर उसके बाद मशहूर हुई डॉक्टरों के पास और कहा जाता है कि बहुत से ऐसे केस जो डॉक्टरों की पहुंच से दूर हो जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है वो यहाँ पर रेफ़र कर देते हैं कि यहाँ आ जाए। और हमारे साथ जो आगा हैं उन्होंने भी बताया आपको, तो ये एक वो जगह है जहाँ इनके गुंबद के नीचे जो है वो बहुत सी करामतें और मौजज़े जो हैं वो रूनुमा होते हैं। उन्होंने इस्लाम की खातिर जो है वो अपना आप छोड़ा, अपना हर चीज़ मालो दौलत, अपना नफ्स, हर चीज़ छोड़कर जो है वो यहाँ पर आए और अपने आप से जंग की और सबसे बड़ी बात शैतान से जंग की और शैतान जिन लोगों में काम कर रहा था और जैसे हालात व वाक़यात पैदा करता था उनसे ये लड़े और हिम्मत और ताकत से चले और आज इनका ये मुकाम है। मेरे आबाओ अजदाद में ऐसा कोई नहीं है कि जिनकी कब्रों पे जाएं और उनसे वास्ता या वसीला लेके दुआ मांगे और वो दुआएं जो हैं वो कबूल हों। ये वो हस्तियाँ हैं जो 1400-1500 साल हो गए इनको यहाँ पर और यहाँ पर ये आज भी जिंदा और जावेद हैं और अपनी कब्र में जो है वो रिस्क पाते हैं खुदा का और वही रिस्क बांटते हैं लोगों में। ये इस टाइम हमारे आसिम मलंग और हमारे गाइड आगा अंबर और हमारे जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी आगा मेदी, इस टाइम पे लंगर चालू हो चुका है। आज आगा हाजी की तरफ से स्पेशल लंगर है हमारे लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से हमारे को दावत दी है मेहमान नवाजी की। आइए देखते हैं क्या क्या है लंगर में। ये इमामजादा की ज़ियारत की तरफ से रोटी मिली है हमारे को, पनीर मिला और ये बिस्किट और पैनकेक्स हैं और पनीर है, टमाटर है, जाफरान की चाय है और खजूर है, अखरोट है और ये जाफरान की चाय है जो कि आगा हादी घर से बना के लाए हैं हमारे लिए। अच्छा, आगा अंबर घर से बना के लाए हैं, सॉरी।
और आसिम मलंग क्या कहना चाहेंगे इस लंगर के बारे में? मेरे को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। मुझे ईरान का पनीर बहुत पसंद है। अच्छा, और आप देखोगे पहाड़ों में मुझे पनीर मिला। सही, तो आप ये देखें कि मेरी हर चीज पूरी होती है। आप भी आए, आपकी भी हर चीज पूरी होती है। अच्छा, हमारी खुशनसीबी है कि इस बयाबान जो कि आबाद है, बट इस वक्त आपको अगर मैं व्यू कराऊं तो सारा बियाबान है, पहाड़ है, जंगल टाइप है, और इस बियाबान में भी हमारे को मेहमानी नसीब हो गई इस दर से। रोटी, मक्खन, टमाटर, पनीर, तो ये हमारे लिए बड़े भाई से इज्जत की बात है। आइए चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही दर है जिनसे मुझे खुदा ने तीन फर्जन से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद इस्माइल, जो इसी मंजादे के नाम पे मंसूब किए हुए हैं। खुदा ने और भी दो बेटे दिए हैं, एक का नाम अली रजा, एक का नाम हसन मुश्तबा है। इनके दर से जो है ना खुदा ने मुझे नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए याद करते हैं। कहा जाता है कि शाह इस्माइल का जो टॉम्ब जो था, ये पहली बार जो बनाया गया वो 661 हिजरी में बनाया गया था। शजरा तो मिलता है, आगे इनके बेटे हमजा का भी मिलता है, पर जो मोहम्मद है, जो इमाम मूसा काजिम की आल में से, उनके कितनी नस्ल बाद पैदा हुए, किस साहबजादे की औलाद थे, वो नहीं पता चल सका। कहा जाता है कि यहाँ एक मिर्जा अली अकबर फैज थे, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, और यहाँ से कुछ आगे जो है वादी में रहा करते थे, और वो लोगों को इस तरफ आने नहीं देते थे और ख़ुद भी नहीं आया करते थे। तो एक बार जो है इमाम उनके ख्वाब में आ गए और उन्होंने पूछ लिया कि तुम खुद तो आते नहीं हो और दूसरों को क्यों नहीं आने देते हो? और अंधेरे में ज़ाहिर उन्होंने देखा इमाम को कदावर थे और सफ़ेद दाढ़ी थी, तो वो डर गए, जिसकी बेस पे जो हुआ एक साल उन्होंने रिकवरी करने में लगा, और एक साल के बाद खिजा के मौसम में जो है मिर्ज़ा अली अकबर फैज जो है वो यहाँ पर दरगाह पर आए, और उनके साथ फिर मुख्तलिफ लोग आने लगे, और उन्हीं के बाद जो है इनकी दरगाह का सिलसिला जो है वो लोगों की आमद का शुरू हुआ। हुसैन कली खान जो तकरीबन काजार के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ पे हुकूमत किया करते थे, और तकरीबन 1216 में इन्होंने जो है वो शिकस्त खाई, और उन्हें इनकी साहिब करामत का पता था शाह इस्माइल का, तो उन्होंने इनके दर की तरफ मुंह करके कहा अगर मैं सहतियाब हो गया और मेरी जान बच गई तो मैं जो है यहाँ 200 तमान जो है वो मैं भिजवाऊँगा। तो ये सोचना ही था उसका कि कुछ दिनों के बाद जो है वो सेहतमंद भी हुआ, और ना सिर्फ सेहतमंद हुआ बल्कि वो अपनी जंग भी जो था बाकी वो जीता, और फिर उसने यहाँ पर 200 तोमान जो है उस वक्त में यहाँ पे भिजवाए, और यहाँ पे तामीरात का काम जो है वो करवाया उसने। एक 1260 में का ये वाक़या है और ये मौजज़ा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तकरीबन 1260 में हाजी सैयद जाफ़र जो नौशकी आबाद में रहते थे, उन्हें इल्हाम हुआ कि वो यहाँ पर आएं और पहाड़ को काटें और
जैसे जैसे वो काटेंगे पहाड़ को तो पानी जो है वो ज़मीन से आप ऊपर आ जाएगा। यहाँ वो अपने साथ चंद लोग लेकर आए और काफ़ी साल जो है यहाँ चंद साल जो है यहाँ पर उन्होंने इस पहाड़ को काटने में लगाया। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो काम बंद करने का बोलने लगे, जिस पे वो थोड़ा सा नाराज़ भी हुए। फिर ऐसा हुआ कि उसी रात जो है वो इमामज़ादा इस्माइल की तुर्बत के पास सोए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि इमाम उन्हें कहते हैं, इमामज़ादा के परेशान मत हो, थोड़ा ही फासला रह गया है, बस थोड़ी ही जो है वो करोगे खुदाई तो पानी आ जाएगा। तो सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने बुलाते हैं बंदों को और कहते हैं कि हमने 20 तकरीबन गज तो खोद लिया है, थोड़ा और खोदेंगे तो पानी ज़रूर आएगा, मुझे उम्मीद है। तो इस उम्मीद पे जो है वो लोग खुदाई करना शुरू करते हैं और तकरीबन 2 मीटर मज़ीद खोदते हैं तो पानी का जो है वो चश्मा जारी हो जाता है, पानी उन्हें मिल जाता है। और पानी जो है वो जैसे ही वो गेंती या खुड़ाल पावड़ा लगता है तो पानी जो है वो प्रेशर से बाहर आने लगता है। तो वही पानी जो है वो एक तरह का इमाम का मौजा भी है जो ख्वाब के थ्रू जो है उन्होंने सैयद जाफर को बताया। इस जगह पे उन्होंने खुदाई की थी और अब यहाँ पर एक फाउंडेशन बना दिया गया है और इसको एक प्रॉपर जाली में कर दिया गया है। इसको कवर अप करने के बाद इसका पानी जो है वो यहाँ टैंक बनाया गया है, मज़ीद बाद में खुदाई कर इसमें भरा जाता है। और इसके अलावा जो है एक वो बिल्कुल सामने ऊपर बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया है, जिससे जो है वो नीचे के गांव को भी सैराब किया जाता है और इस जगह का भी जो ज़ायरीन आते हैं उसके पानी का ख्याल रखा जाता है। ये वो वलियों ये वो इमामज़ादों के मौजज़े हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और अपने शक्ल में वैसे ही सलामत हैं जिस तरह इनकी ज़ियारतें सलामत हैं। इस दरगाह की ख़ास चीज़ बताने लगा हूँ, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी है और बाकायदा यहाँ पे ना कमरे भी बने हुए हैं और यहाँ पर किचन भी बहुत बड़ा है। और जिन लोगों की मन्नतें मुरादें या दुआएं कबूल होती हैं और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ आकर एक बकरा या दुम्बा जो है वो नज़र इमामज़ादा करते हैं और वो किस तरह बनाते हैं, आए आगे बढ़ें और बताते हैं। ये वो सारे रूम्स हैं, ये 1, 2, 3 और इस तरफ आगे तक ये रूम गए हुए हैं। और यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं और ठहरती हैं, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे ठहरती हैं। आगे चलें और मज़ीद हम आपको किचन दिखाते हैं। ये जो जगह है जहाँ अब ये ताला लगा है फिल वक्त, यहाँ पे बकरे ज़िबा होते हैं और यहाँ पे लोगों की कतारें बनी होती हैं, जो मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ लाकर जो है वो कुर्बानगाह में जो है यहाँ लेकर आते हैं, बकरे को ज़िबा करते हैं और उस ज़िबा जो बकरा किया जाता है उसको यहीं प्रॉपर पूरा बनाया जाता है और यहीं पर जो है वो लोगों को लंगर या खैरात कर दिया जाता है। कुछ गोश का हिस्सा भी जो है वो यहाँ पर खैरात कर दिया जाता है, यानी कि इमाम के नाम पर लोग अपने घरों में जाके बना लेते हैं, कुछ जो है वो बचता है। फिर जो लोग यहाँ ठहरते हैं या ठहर कर, ये किचन है और इस किचन में बाकायदा हर पूरा निज़ाम है, यहाँ बनाया जाता है और फिर यहाँ लंगर किया जाता है। आम दिनों में यहाँ बहुत रश होता है और जिस वक्त हम अभी आए यहाँ ज़ियारतें बंद थी तो लोगों को पता ही नहीं लगा ये ज़ियारत कब खुली। हमारी खुश नसीबी है कि ज़ियारत आज ही खुली और आज ही हम यहाँ पर आ गए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और जब भी ईरान आएँ और ख़ास तौर पे कुंभ में आएँ तो शाह इस्माइल के ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़ियारत भी करें और बल्कि खाने का सामान लेकर आएँ और यहाँ रात भी बसर करें। आपकी वो जुमला ख्वाहिशात और हाजात भी पूरी होंगी और जब आप यहाँ रात को इनके दर के यहाँ करीब में सोएंगे तो आपको ज़िंदगी की यादगार रातों में से एक रात होगी, जिसमें आपको इबादत करने का भी मौका मिलेगा और रियाजत करने का भी मौका मिलेगा और शायद इमाम की ज़ियारत भी आपको नसीब हो। तो जब तक के लिए इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। इस वक्त जो है हम वापसी के सफ़र में हैं और अंधेरा हो चुका है, यहाँ रोशनी नहीं है, मज़ार पे तो रोशनी थी और ये कच्चे का रोड है और हम
थोड़ा तेज़ी से उतरेंगे क्योंकि यहाँ पर जिन्नात और दूसरी भी चीज़ें जैसे जैसे रात होती जाएगी और यहाँ पे जो है मसाइल थोड़े से बढ़ते हैं। जो यहाँ के लोकल रहने वाले वो तो आदि हैं और वो इस हवा की भी आदि हैं, ज़ाहिर हम शहरी लोग हैं तो ये जो पहाड़ों की हवा होती है ज़्यादातर हर किसी को रास नहीं आती है। चलते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे ज़रा नीचे जाके बात करते हैं कि कैसा रहा, हमने कैसा महसूस किया। इस वक्त जो है वो हम इस्माइल शाह से निकल गए हैं और अंधेरा है और मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ आसिम मलंग भी, आपको सिर्फ सुट्टा उनका नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की टोपी भी। ये वो रास्ता है जहाँ पे ज़ाहिर हम जब आ रहे थे तो कुत्ते भी थे और जंगली कुत्ते भी थे और यहाँ शेर की भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पहाड़ी हैं भाई। नहीं होगी, मैं अगर ये रख दूँ तो ये अंधेरे का सफ़र हमारा जारी है और मैं और आसिम मलंग हैं और आगे राना राहिल और दो हमारे गाइडर भी हैं, दोनों आगा जा रहे हैं और तारे में मेरा मोबाइल कैच नहीं कर सकता, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा होगा मेरे पास मोबाइल जो तारे भी दिखा रहा होगा। बड़ा खूबसूरत मंजर है, ऐसे लगता है ये इमाम जो है वो तारों में घिरे हुए हैं और इनकी तुर्बत जो, और समटाइम तो ऐसा भी लगता है कि जैसे आसमानी मखलूक भी जो है वो यहाँ उतरती है और यहाँ पर आती है इनके दरों पर। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं अपने रब से और अब रब की मखलूक से। और यहाँ पर जो है वो ये सिलसिला जा रहे हैं और आगे वाले हमारे जो है वो नारे लगाते जा रहे हैं और हम काफ़ी थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे उनके साथ मिले। हम थोड़े स्लो हो गए ना, सामने हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि ढलान है तो बहुत स्पीड से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये वो मस्ती आ गई है जहाँ जो है उन्होंने बद्दुआ दी थी और यहाँ के चंद जो घर हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती नहीं है, वो तादाद उतनी ही रहती है। ये आगे आगे जा रहे हैं वो, ये उसी मोहल्ले से हम गुजर रहे हैं और राना राहिल आगे है, आसिम मलंग मेरे पीछे पीछे और काफ़ी क्योंकि पत्थर बने हुए उस पर सीमेंट लगा दिया तो थोड़ा स्लिपरी हो रहा है। ये मोहल्ले की जामा मस्जिद या आप कह लें कि बारगाह है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। और ये मोहल्ले की गलियाँ हैं जहाँ पे लाइट आई हुई है इस वक्त और मेरे आगे आगा अंबर है, आगा हादी और राना राहिल और मेरे साथ आसिम मलंग हैं और मैं हूँ और वापसी का सफ़र जारी है हमारा और तेज़ी से हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो तकरीबन अभी हम 2 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर आए, मज़ीद हमें 2-2.5 किलोमीटर फासला तय करना है। तो हिम्मत है, चले जा रहे हैं, बस एक जज्बा है कि नए से नए इमामजादे जो लोग नहीं जानते हम नहीं जानते उनको जाने और आपको बताएं। ये राना राहिल को हमने कैच किया है, इसको पकड़ें। हाँ राना, इस टाइम हम लोग वापसी की तरफ गामजन हैं, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में भी रास्ता कैसा था। बहरहाल ये सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा और बड़ा मज़े का सफ़र होता है, वैसे देखने में लगता है ख्वारी है लेकिन जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता जाता है उसी तरह उसके लिए आसानियाँ होती रहती हैं और हिम्मत बढ़ती रहती है। इसी तरीके से ज़िंदगी के रास्ते भी अंधेरे, उजाले, गुमनाम हर जगह से गुजरते हैं। नहीं डरा करें, रास्ते ख़त्म हो जाते हैं क्यों परेशान होते हैं, हम भी तो देखें। बाकी राहिल बात करें, बाकी अभी ये रास्ता भी जवानों का है और हम भी जवान हैं और अजद अली मेरे साथ हैं तो क्या गम है फिर। हाँ, मुझे ये लोग फसजत भी कहते हैं, जहाँ फंस जाते हैं मुझे याद करते हैं तो ये भी चलता है। एनी हाउ अच्छा सफ़र चला, अभी फिर अंधेरा आ गया है। ये पानी की आवाज़, खामोशी ये इस इलाके का बता रही है कि यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं रहने वाले, ज़्यादातर यहाँ फार्म हाउस और गेस्ट हाउस बने हुए, मगर यहाँ की कुछ आबादी है जो बताया बढ़ती नहीं है ना कुछ से। वाकई ये गांव जो है वो शहर खामोश लग रहा है जब से हम नीचे उतरे हैं, सिवाय
मजावर मेला जो नीचे कहीं काम से गया था, और एक से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नज़र आए। उसके अलावा हमें तकरीबन 3 किलोमीटर में और कोई नज़र नहीं आया। घर तो बने हुए, लोग कहाँ हैं पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम जंगल में चल रहे हैं, बस घर हैं, लाइट नहीं है ज़्यादातर, कहीं कहीं लाइट है, और पानी की आवाज़ हमारे साथ साथ है। तारे में दिखा नहीं सकता, तारे हमारे सर के ऊपर हैं जो पहले से ज़्यादा अच्छे चमक रहे हैं। कुछ लोग हैं सामने नज़र आ रहे हैं जहाँ लाइट है, और वो अपना उनके घर का पोर्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ घरों की दीवारें भी टूटी हैं। ये वो लाइट लगी हुई है कि यहाँ से आगे जाना मना है। और अब हम पक्के रोड पर आ गए, बस थोड़ी दूर हमारी गाड़ी है और हम गाड़ी पे सवार हो जाएंगे। हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं गाड़ी, उसके बाद गाड़ी में जाएंगे। और मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो किया होगा आपने, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।